view? I mean, what is your view? It should be there or it should not be there? Yes. I think, I mean, it is really imperative. The way, I mean, women are in the current scenario, I mean, they are abusing the power of 498A. Right. So I think, I mean, it's really important for men also. I mean, they, it is not just they do about have 498A and fake. Anything else? I mean, they're abusing the power. Many other concerns about men's health, depression, absolutely, and increasing suicide rates also. Exactly. Right. So, of course, I mean, that's the reason I said, I mean, because most of the time, I mean, you will find such cases. You will get to know about this, I mean, through media or newspapers. But women misusing the rights what they have right now. Okay. So, I believe, I mean, it is really imperative. I mean, if we can go ahead and kind of build a commission for men also. Yeah. So I mean, they can approach somebody, I mean, in case, I mean, they are in need. Because right now, I mean, in India, I mean, if you go, I mean, everybody will listen to a woman. Rather right, than nobody a man. Listens to a man in our police. Absolutely. I mean, we, as a man, I mean, we are going through a tough time, I mean. Yeah. Especially if you are a married man. So exactly. You cannot nobody exercise. Listens to you. Yeah, absolutely. You cannot, you don't have any rights, I mean, to exercise. Whereas, I mean, if you see women, I mean, they can threat you also. Being a married man, I can understand the situation, I mean. Right. So, yeah, I mean, in my opinion, I think, I mean, it should be there. Thank you. कि आज के टाइम में भारत के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं भी देखते हैं अगर कोई लेडी या लड़की या कोई भी महिला किसी भी पुरुष के खिलाफ कुछ भी कहती है तो हमारा सामाजिक मान्यता ये है कि हाँ पुरुष ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप कई जगह देखते भी लड़कियां भी उतनी ही दोषी पाई जाती है जितने पुरुष होते हैं जी। तो उनको सेफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आज का जो कानून है भारत का वो बिल्कुल बिल्कुल महिला के तरफ झुका हुआ है, पुरुष के प्रति उसकी कोई हमदर्दी या रहमदिली नहीं होती। तो मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल होना चाहिए जी। मंत्रियों ने जैसे पुरुष आयोग की मांग की है कि भारत में पुरुष आयोग होना चाहिए, तो क्या रहे है? भारत में पुरुष आयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ओह, बाय पुरुष आयोग यू मीन अ मिनिस्ट्री फॉर मेन? मिनिस्ट्री फॉर मेन। ओह, सी आई वुड से दिस इज 2018 एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर इक्वल सोसाइटी। सो इफ एनी पर्सन और पीपल थिंक दैट देयर राइट्स हैव बीन इन्फ्रिंज्ड, सो एंड द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनएफेक्टिव, देन आई थिंक there can be a ministry, there can be a commission, and I don't see any harm in it. Thank you. Men's commission बिल्कुल होना चाहिए ताकि पुरुषों की जो भी दिक्कत है उनको भी दूर किया जा सके। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है देश में। अगर कोई लड़की फर्जी केस कर देती है, चाहे बीवी ने करा है या गर्लफ्रेंड ने करा, तो लड़के तो जेल में सड़ता रहता है, पुलिस स्टेशन में कोई सुनता नहीं है, कोर्ट में कोई सुनता नहीं है, और उनकी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भैया पैसे की बर्बादी, जीवन की बर्बादी और समय की बर्बादी। दूसरा, प्रोस्टेट कैंसर पे अवेयरनेस नहीं है देश में, तो उसके लिए भी अवेयरनेस आनी चाहिए बाय मेंस कमीशन। आपको क्या लगता है भैया, पुरुष आयोग होना चाहिए महिला आयोग की तरह या नहीं होना चाहिए देश में? पुरुष आयोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ लोग अपने आप वो करते हैं, बच्चों के लिए अलग बना हुआ है जी। और जैन पुरुष के लिए कुछ है नहीं, पुरुष मतलब पूछता है एक उसके बाद जाओ हर जगह रिश्वत चलती है। मेरे साथ होना चाहिए, 100% होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए कानून है। हाँ, महिलाओं के लिए कानून है, बच्चों के लिए कानून है, पुरुषों के लिए कोई कानून। पुरुष के लिए होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ओके। कई बार पता लगता है कि लुटेरी दुल्हन एक हफ्ते में ही या शादी के दो दिन बाद ही सारे गहने समेट के अपने निकल लेती है, और पुरुष बेचारा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसने शादी करी है और वो फंस चुका है इस टाइम पर। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो बच्चों को लेके मायके भाग जाती हैं, बट इंडिया में जैसे कोई शेयर पेरेंटिंग का कानून नहीं है बाप एक बाप के लिए, तो बाप की कोई पीड़ा सुनता नहीं है। तो इतने सारे वो मुद्दे हैं पुरुषों के जो इनको कोई ध्यान नहीं देता, तो इसलिए पुरुष आयोग ज़रूर होना चाहिए। लगता है महिला आयोग की तरह देश में पुरुष आयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, पुरुष आयोग होना चाहिए। किन कारणों से आपको लगता है कि देश में पुरुष आयोग की ज़रूरत है? कारण ये है कि मतलब हम लोगों पे जैसे मतलब वाइफ हस्बैंड के बीच कोई भी मतलब तलाक शुदा या जो कुछ भी होता है, तो एक्ट ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, इसकी सैलरी से आधी सैलरी उनको मिलनी चाहिए। सपोज डैट अगर हस्बैंड जॉब ना करता हो, अगर वाइफ जॉब करती हो, तो वाइफ को भी वाइफ गवर्नमेंट का ऐसा रूल करना चाहिए कि हस्बैंड को भी मिलना चाहिए। ऐसे होते हैं कि अपना जो लड़के को फंसाना, झूठा आरोप लगाना कि मेरे साथ इसने गलत करा, इसलिए होना चाहिए। फर्जी केस फर्जी केस
अगर मतलब हम जाते हैं रास्ते में, अगर लड़की को ना भी छेड़े, अगर वो कंप्लेन कर दे तो हमको उठा के डायरेक्ट कर देते हैं। ओके, लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है? लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है, इस पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए अच्छे से। इसलिए आपको लगता है कि पुरुष है? जी जी, थैंक यू भैया। कानून जैसे कानून एक सेम होना चाहिए वैसे भी लड़कों के लिए। कोई कानून नहीं है, कोई सुनता नहीं है, नहीं सुनता उनके, क्योंकि उनपे उल्टे आरोप लग जाते हैं, क्योंकि लड़का ही गलत होता है हर जगह भारत। ये पुरुष आयोग इसलिए होना चाहिए कि जैसे कि ये सुसाइड केस ज़्यादा बढ़ रही हैं, और ये वो हुआ तुम्हारा ये केस वो चल रहे हैं फर्जी केस जो, हाँ फर्जी केस, इसलिए होना चाहिए जो लड़कियाँ फर्जी केस, हाँ दोनों को बराबर जाँच होनी चाहिए, कानून होना चाहिए। इसके बाद में तब यानी वो सजा उसका ऐलान होना चाहिए, कानून होना चाहिए इसके लिए। सजा दोनों को ही हो, हाँ, लड़की हो चाहे हाँ, जिसकी गलती हो, जिसकी गलती हो उसको, हाँ, हाँ, और फर्जी केस में जो फर्जी केस में है सर, तो उन दोनों को होना चाहिए ताकि पुरुषों को भी सुना जाए। हाँ ठीक। सबसे ज़्यादा टैक्स हम भरते हैं, बट अगर हम पुलिस स्टेशन में जाएँ या कोर्ट में जाएँ तो हमारी कौन सुनता है, सब भगा देते हैं, क्योंकि कानून ही नहीं है लड़कों को बचाने के लिए। अभी कल परसों की न्यूज़ थी, ये लड़की ने, लड़की अपने दोस्त के साथ थी, लड़के दोस्त के साथ, उसने घर में माँ की डांट से बचने के लिए एक लड़के पे झूठा रेप के केस लगा दिया। तो ये तो खाम खा के एक जो महिलाओं को बचाने के लिए कानून बनाए गए थे उनको मिसयूज़ कर रही हैं लड़कियाँ। और अरविंद भारती का केस आपने पिछले साल सुना होगा, जिसमें कितना हरास कर दिया था उसकी बीवी ने उसे कि उसने आत्महत्या कर ली थी। भारत में महिला आयोग के द्वारा पुरुष आयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम है, मतलब उनमें भी कोई फ़र्क नहीं, हमें भी कोई फर्क नहीं, हर चीज़ में हम कंपेयर ही करते हैं कई लोग, और ज़्यादातर ये होता है कि पढ़ाई में लेके भी या किसी चीज़ को ले, मतलब हर चीज़ के लिए होना चाहिए। तो सेम टू सेम उस जो मेंस होते हैं उनके लिए भी सेम यूज़ होने चाहिए जैसे वुमेंस के लिए है। जो भी लॉज होने चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल लॉज, ताकि लड़कों को भी बचाया जा सके, उन पर भी फोकस किया जा सके। लगता है महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग होना चाहिए भारत में या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जैसे उसके लिए भी बहुत बेनिफिट्स हैं कि अगर कोई बाई चांस आप पे कोई अगर कोई झूठा केस ही लगा दे अगर किसी उस केस में, तो एटलीस्ट आप लोगों के लिए भी एक चांस होना चाहिए आदमियों के लिए कि अपना वो कुछ अपना प्रस्पेक्टिव या फिर अपने लिए डिफेंस के लिए कुछ रख पाएँ। और भी होने चाहिए, जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए भी आजकल वो है कि रूल है, उनके लिए पूरी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं काफ़ी, ऐसी आदमियों के लिए भी होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। तो इसके अलावा और तो कोई राय नहीं।